के बाद उसकी अमेंडमेंट की गई तो उसको 3A बना दिया गया। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं तो उनको मजबूरी क्या बनी, क्या मजबूरी हुई, इसलिए कि कुछ गलत फहमी हो गई थी कि डोमिसाइल में कितने साल रहने वाला लोग इंसान डोमिसाइल बन जाता है। फिर इसमें बताया गया कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो तहसीलदार देगा वो किन लोगों को देगा, मैं वो दूसरा तीसरा चौथा कोई मजदूर यहाँ आ गया दिहाड़ी पे आते बेचारे बिहारी लोग यहाँ मजदूर हैं, कितने लोग हैं जो यहाँ खेतों में काम करते हैं मजदूरी का काम करते हैं, किस किस को डोमिसाइल की सर्टिफिकेट मिलेगी। और उसमें ये लिखा है कि वो सेक्शन 3A में है। सेक्शन 3A में क्या लिखा है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो उन लोगों को मिल सकती है जो 15 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहे हो या कम से कम 7 साल से वो यहां के स्कूलों में पढ़ते रहे हो, 10वीं जमात से 12वीं जमात, क्योंकि यहां पर कई स्कूल्स हैं यूनिवर्सिटीज हैं वगैरह हैं, कई बाहर के लोग जो हैं वहां बहुत ज्यादा फी है तो वो यहां आके स्कूलों में पढ़ सकते हैं। तो ये पहली शर्त है कि जो यहां शख्स 15 साल से रहा हो या अगर स्टूडेंट हो तो कम से कम 7 साल यहां रहा हो। फिर उसके बाद क्या होता है, उसको यहां की शहरियत नहीं मिलती, जॉब मिल सकती है, शहरियत नहीं मिल सकती। दूसरा, हु इज ए रजिस्टर्ड माइग्रेंट बाय द रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर, वो होते हैं हमारे पंडित भाई, वो जहां भी हों हिंदुस्तान में वो हमारे शहरी हैं, उनको वोट का हक है, उनको जॉब का हक है, पंडितों को तो हक है, जो भी पंडित बाहर से आएगा चाहे वो यूपी से हो बिहार से हो वहां उसको अगर नौकरी नहीं मिलेगी वो जम्मू कश्मीर में आके उसको हक है और इसको भी ये राइट है। और फिर किसको है, इसके अलावा